नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोस्तों बीना जंक्शन के पास स्थित मालखेड़ी और महादेव खेड़ी के बीच में दोहरीकरण कार्य करने हेतु मेगा ब्लॉक लिया जा रहा है, जिसके कार्य प्री एनआई के लगभग 24 दिन के आसपास के और एनआई के 5 दिन के आसपास के किए जाने हैं, जो कि 12 जून से 10 जुलाई तक किए जाने हैं। इस हेतु रेलवे के द्वारा पश्चिम रेलवे से होकर गुजरने वाली ट्रेनों के साथ में विभिन्न ट्रेनें कैंसल, शॉर्ट टर्मिनेट और डाइवर्ट की हैं, जिसकी विस्तृत सूचना कल सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई है। उसी के कुछ महत्वपूर्ण अंश आप सभी के लिए हम इस जानकारी में बताने वाले हैं। जिन ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है इस दौरान, उनमें अहमदाबाद पटना एक्सप्रेस गाड़ी 16 जून, 23 जून, 30 जून और 7 जुलाई को कैंसिल रहेगी। पटना अहमदाबाद गाड़ी 18 जून, 25 जून, 2 जुलाई, 9 जुलाई को कैंसिल रहेगी। वहीं अहमदाबाद कोलकाता गाड़ी 19 जून, 26 जून और 3 जुलाई को, कोलकाता अहमदाबाद 22 जून, 29 जून, 6 जुलाई को कैंसिल रहेगी। डॉक्टर अम्बेडकर नगर पटना स्पेशल गाड़ी 20 जून, 27 जून और पटना डॉक्टर अंबेडकर नगर स्पेशल गाड़ी 21 जून, 28 जून को कैंसिल रहेगी। वहीं इंदौर हावड़ा शिप्रा एक्सप्रेस गाड़ी 27 जून, 29 जून, 2 जुलाई, 4 जुलाई, 6 जुलाई, 9 जुलाई को, और हावड़ा इंदौर शिप्रा एक्सप्रेस 29 जून, 1 जुलाई, 4 जुलाई, 6, 8 और 11 जुलाई को कैंसिल रहेगी। वहीं अहमदाबाद गोरखपुर गाड़ी 5, 6, 7 और 9 जुलाई को कैंसिल रहेगी। वहीं गोरखपुर अहमदाबाद गाड़ी 6, 7, 8 और 10 जुलाई को कैंसिल रहेगी। बांद्रा गोरखपुर हमसफर गाड़ी 1 और 8 जुलाई को कैंसिल रहेगी। गोरखपुर बांद्रा हमसफर गाड़ी 2 जुलाई और 9 जुलाई को कैंसिल रहेगी। अहमदाबाद पटना स्पेशल गाड़ी 23 जून और 30 जून को कैंसिल रहेगी। वहीं पटना अहमदाबाद स्पेशल गाड़ी 25 जून और 2 जुलाई को कैंसिल रहेगी। वहीं मंडल के चंदेरिया स्टेशन से होकर गुजरने वाली गाड़ी भागलपुर अजमेर साप्ताहिक गाड़ी 27 जून और 4 जुलाई को, अजमेर भागलपुर 29 जून, 6 जुलाई को कैंसिल रहेगी। दरभंगा अहमदाबाद अंत्योदय गाड़ी 3 जुलाई को कैंसिल रहेगी। अहमदाबाद दरभंगा अंत्योदय गाड़ी 5 जुलाई को कैंसिल रहेगी। रीवा डॉक्टर अम्बेडकर नगर त्रिसाप्ताहिक गाड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण गाड़ी है, यह गाड़ी 18 जून से 9 जुलाई तक कैंसिल रहेगी। डॉक्टर अम्बेडकर नगर रीवा गाड़ी 19 जून से 10 जुलाई तक कैंसिल रहेगी। यह गाड़ियां जो रतलाम मंडल से होकर गुजरती है उनके बारे में हमने जानकारी दी है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण गाड़ियां कैंसिल रहने वाली है, जिसकी विस्तृत सूची आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसके अलावा जिन ट्रेनों को डाइवर्ट किया जा रहा है उनमें सी भगत की कोठी तिरुचिरापल्ली हमसफर गाड़ी को डाइवर्ट किया जा रहा है। कोटा नागदा संत हिरदाराम नगर भोपाल के रास्ते 12 जून, 19, 26 जून और 3 जुलाई को यह गाड़ी इस मार्ग से चलेगी। वहीं तिरुचिरापल्ली भगत की कोठी हमसफर गाड़ी भी संत हिरदाराम नगर नागदा कोटा रूट को फॉलो करेगी 15, 22 और 29 जून और 6 जुलाई को। वहीं जबलपुर सोमनाथ, जो कि बिना कटनी होकर हफ्ते में 2 दिन चलती है, वह गाड़ी जबलपुर इटारसी भोपाल के रास्ते 24 जून, 28 जून, जुलाई में 1, 5 और 8 जुलाई को चलेगी। वहीं इटारसी जबलपुर के रास्ते सोमनाथ जबलपुर गाड़ी 15, 17, 22, 24 और 29 जून और 1, 6, 8 जुलाई को इसी रास्ते से चलेगी। गोरखपुर अहमदाबाद गाड़ी भी कटनी जबलपुर इटारसी भोपाल संत हिरदाराम नगर के रास्ते 22 से 30 जून को इसी रास्ते से जाएगी। वहीं जुलाई में 1, 3, 4 और 5 तारीख को यह गाड़ी इसी रास्ते से रवाना होगी। अहमदाबाद गोरखपुर गाड़ी 29, 30 जून, जुलाई में 2, 3, 4 तारीख को संत हिरदाराम नगर भोपाल इटारसी जबलपुर कटनी के रास्ते से चलाई जाएगी। हावड़ा इंदौर गाड़ी का भी मार्ग परिवर्तित किया जाएगा। 22, 24, 27 जून को वह गाड़ी कटनी जबलपुर इटारसी भोपाल संत हिरदाराम नगर के रास्ते से चलेगी। वहीं दरभंगा अहमदाबाद गाड़ी कटनी जबलपुर इटारसी भोपाल संत हिरदाराम नगर के रास्ते 26 जून को चलेगी और 28 जून को अहमदाबाद दरभंगा भी इसी रास्ते से चलेगी।
अहमदाबाद दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस को मक्सी संतीर्थराम नगर निषादपुरा भोपाल बीना के रास्ते से 12 जून से लगा के 7 जुलाई तक चलाया जाएगा। वहीं दरभंगा अहमदाबाद जो गाड़ी है वह भी इस दौरान 12 जून से 8 जुलाई तक इसी रास्ते से चलेगी। अहमदाबाद वाराणसी साबरमती एक्सप्रेस को भी मक्सी संतीर्थराम नगर निषादपुरा बीना के रास्ते 13 जून से 9 जुलाई तक चलाया जाएगा। वहीं वाराणसी अहमदाबाद गाड़ी को भी इसी रास्ते से 13 जून से 9 जुलाई तक चलाया जाएगा। अहमदाबाद दरभंगा क्लोन गाड़ी को मक्सी संतीर्थराम नगर निषादपुरा बीना के रास्ते 14 जून से 5 जुलाई तक और दरभंगा अहमदाबाद क्लोन गाड़ी को 17 जून से 8 जुलाई तक इसी रास्ते से चलाया जाना है। तो यह थी छोटी सी जानकारी जो कि हमारे रूट के व्यस्त होने से ब्लॉक की वजह से डाइवर्ट की जा रही है, निरस्त की जा रही है और शॉर्ट टर्मिनेट भी कुछ गाड़ियों को किया जा रहा है। इनसे जो यात्री है उनका सफ़र थोड़ा प्रभावित होगा। हालांकि जो बीना नागदा गाड़ी है उस गाड़ी को मक्सी में शॉर्ट टर्मिनेट करने का फैसला रेलवे ने किया है, जबकि इस गाड़ी को गुना तक आसानी से चलाया जा सकता था क्योंकि गुना के आसपास में कोई ब्लॉक की कंडीशन नहीं है। इसलिए यात्रियों ने रेलवे से ट्वीट के माध्यम से गुजारिश की है कि उक्त गाड़ी को गुना तक चलाएँ, जिससे कि यात्रियों को जो अनारक्षित गाड़ी इकलौती क्षेत्र में उपलब्ध है उसका लाभ मिल सके। देखते हैं रेलवे इस बारे में क्या विचार बनाता है। जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया, कटनी से अनूपपुर के बीच में भी ब्लॉक लिया गया, जिससे कि हमारी इंदौर बिलासपुर गाड़ी भी आज से लगभग एक महीने के आसपास बंद रहेगी। वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण गाड़ी है जिसको कि बंद कर दिया गया। इस गाड़ी को भी कटनी से इंदौर के बीच में चलाया जा सकता था, लेकिन रेलवे प्रशासन का जनता को सुविधा देने की ओर ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। वे लोग केवल ट्रेनों के संधारण आदि की गतिविधियों से बचना चाहते हैं। नहीं तो पूर्व में भी जबलपुर से इंदौर के बीच में उक्त गाड़ी को ब्लॉक के समय चलाया गया था और जनता को उसका फ़ायदा मिला था, लेकिन रेलवे न जाने क्यों जनता को फ़ायदा नहीं देना चाहता है। इस बारे में रेलवे प्रशासन को सोचना चाहिए, क्योंकि ट्रेन रद्द होने से हज़ारों यात्रियों को परेशानियां होती है। 4-5 महीने पहले वे लोग रिजर्वेशन की प्रक्रिया करवा लेते हैं, लेकिन एंड टाइम पर गाड़ी रद्द होने से उन लोगों को काफ़ी नुकसान होता है, रेलवे को भी राजस्व की हानि होती है। ऐसे में ट्रेनों को रद्द करने की बजाय डाइवर्ट करके चलाया जाना ज़्यादा न्यायोचित यात्री हित में होगा। वहीं इन रेलवे के विभागीय कार्यों को करना कितना ज़रूरी है, यह हम जो विभिन्न अवसरों पर छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती देखते हैं, यह मेंटेनेंस ना किए जाने और ट्रैक पर अत्यधिक दबाव होने की वजह से होती है। ऐसी स्थिति में दुर्घटनाओं की जो असामयिक वारदातें होती हैं उनसे बचा जा सकता है। ब्लॉक लेकर मेंटेनेंस किया जाता है और दोहरीकरण आदि के कार्य करना तो बेहद ज़रूरी, क्योंकि जो सेक्शन है उनमें ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में यात्री गाड़ियों को सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा। तो यह थी ब्लॉक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इस बारे में अपने राय जरूर दें। आप सभी का धन्यवाद।